अब हम आ गए गुफाओं में, पर ये आप देख सकते हो, देख सकते हैं मुझे दिक्कत आ रही है इस टाइम राइड करने में, और यहाँ पे पूरा का पूरा पानी लीकेज हो रहा है पूरा टनल से, और थोड़ा सा रोड भी वैसे मतलब ऑफ रोडिंग जैसा ही हो चुका है। अभी फिलहाल निकलेंगे और थोड़ा सा आपको उजाला नज़र आएगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं यूट्यूब चैनल खास ब्लॉगर के साथ नई सुबह नया दिन और नई छवि के साथ। तो आज शाम का टाइम है और हम लोग निकले हैं राइडिंग पे और जा रहे हैं घर बहुत दिनों बाद। तो मैं वापस लेके आई हूँ और आज हम निकले हैं अपने घर की ओर और खूब मस्ती करते हुए। शाम का टाइम है, सुहाव का मौसम है आप देख सकते हो, और लग रहा है कि बारिश ना आ जाए, बारिश भी आने वाली है। ठंडा मौसम हो रखा है और हम चले हैं अपने वादियों का एंजॉय करते हुए, हस्बैंड और वाइफ थोड़े से गुफ्तगु करते हुए, और पापा को देख सकते हैं आप, वो देखिए कर रहे हैं, वो आगे आगे हमें लीड कर रहे हैं और वो जा रहे हैं आगे आगे। हमारी तानाशाह सरकार हमारे साथ कंपटीशन लगा रही है। अभी हमने इनको बाथरूम लगाया इसलिए हमने इनको पीछे छोड़ दिया। ये देख सकते हैं आप, ये हमारे डैम का लोकेशन है। ये देखिए कितना प्यारा है यहाँ पे, ये चमेरा वन है और आप देख सकते हैं यहाँ कितना खूबसूरत लग रहा है ये। और ये देखिए हमारे हाई कमांड पूरे जोरों शोरों से चले हैं। वहाँ दिखाएंगे ये हम निकल गए हम मुसीबतों से बाहर। हम जाएंगे टनल के अंदर, आओ गुफाओं में। अब हम आ गए गुफाओं में, पर ये आप देख सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हैं मुझे दिक्कत आ रही है इस टाइम राइड करने में, और यहाँ पे पूरा का पूरा पानी लीकेज हो रहा है पूरा टनल से, और थोड़ा सा रोड भी वैसे मतलब ऑफ रोडिंग जैसा ही हो चुका है। अभी फिलहाल निकलेंगे और थोड़ा सा आपको उजाला नज़र आएगा। तो ये डैम ये 540 मेगावाट का है, जहाँ पे इस टाइम अभी चमेरा वन पे है, चमेरा टू जहाँ पे मैं है। तो ये देखिए अभी हम रुक गए यहाँ जलेबी लेने के लिए, ये आप देख सकते हो गर्मा गर्म जलेबी। ये देखिए जो खाए जलेबी।
के ये पहुंच गए हम गांडी एरिया में। रुके थे कोटी पुल के पास, हमने भरवाया तेल और अभी स्कूटी में तेल डलवा के हम निकले। अभी तक पापा नहीं पहुंचे, पापा पता नहीं कहाँ रह गए, उनको हमने पीछे का छोड़ा, वो वैसे ही पीछे हो गए हमसे, तो अभी उनका वेट करना पड़ेगा हमें। तो आप देख सकते हैं कि आज मेरा हो गया है, हमें सफ़र करते करते मुझे लग रहा है कि आज आई थिंक हमें 9 तो बजी जाएंगे ना, 8:30 बज जाएंगे हमें। और मज़ा भी आ रहा है सफ़र में, क्योंकि हम साथ में फैमिली आज सफ़र कर रहे हैं। मैं भी कई दिन बाद मतलब इतने लॉन्ग ये पहाड़ों का सफ़र है, टेंशन भी है बहुत ज़्यादा, जल्दी जल्दी घर पहुंच जाए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बारिश का मौसम भी होने वाला है, सही आ रही है बारिश। चलो मिलते हैं आपके साथ घर पर, मतलब बने रहे हमारे साथ इसी तरह। तो फिलहाल गाइस वक्त हो रहा है 9:50, तो हम तकरीबन 5:30 के अराउंड हम खैरी से निकले थे और हमें तीसा पहुंचते 9:51 मतलब हम पहुंच गए थे 8:30 के करीब हम पहुंच चुके थे। हमने अभी खाना खाया, तसल्ली से अपना पेट पूजा की और बढ़िया बढ़िया मक्खन खाया, उसके साथ में कुछ स्नैक्स वगैरह भी लेके आया था, खाएंगे कुरकुरे शुरकुरे। और फिलहाल थक चुके हैं और सफ़र अच्छा रहा, हमने थोड़ा इन्जॉय किया, मतलब पूरे 2 महीने बाद इतना लंबा लॉन्ग राइड करने को मिला, मुझे मज़ा आया और दिल को तसल्ली भी हुई। तो कुछ ये थी हमारी मतलब आज का छोटा सा व्लॉग था। तो आई होप आपको ये सभी को वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, लिव योर लाइफ लिव योर ड्रीम्स, अस्सलाम वालेकुम।